स्वागत है फिर से आपका नए वीडियो में। ये जो है वीडियो टाटा मोटर्स लखनऊ की तरफ से है, क्योंकि जो है इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे और 12th पास ये वैकेंसी रहने वाली है। लखनऊ के प्लांट में जो है आपको जॉब मिलेगी। कौन कौन से राज्य के लिए भर्ती है, आपको अप्लाई कैसे करना है यानी फॉर्म कैसे फिल करना है, सारी डिटेल इस वीडियो में रहेगी, तो वीडियो को आप जो है अंत तक देखिएगा। अब जो है आपको दिखाते हैं लिंक कहाँ से मिलेगी। ये जो है टेलीग्राम है, यहाँ पे जो है हम लिंक डाल देंगे, तो जो है नॉर्मली आप उस पर क्लिक करके फॉर्म फिल करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें हम जो है साइड डिटेल डालते रहते हैं, यानी कि कोई भी कैंपस प्लेसमेंट लगता है, कोई भी फॉर्म फिल करने की लिंक आती है तो हम डालते रहते हैं। तो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन की मैं बात करें तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों का लिंक है, उस पर जो है क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आप इसमें देख लीजिए, यानी कि जो है लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे 12th पास साइंस अर्जेंट हायरिंग है टाटा मोटर्स लखनऊ की तरफ से। इसमें जो है कुछ बातें हैं आपको ध्यान देने वाली हैं, जैसे बात करें कि आप जो है 12th जो है साइंस जो है स्ट्रीम उससे जो है 50% मार्क में पास होने चाहिए। जैसे बात करें आधार कार्ड में आपका नाम, आपके फादर्स का नाम और उसके बाद एड्रेस जो है सारी डिटेल सेम होनी चाहिए। ध्यान रहे कि आपका व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर आधार नंबर सही, इसलिए जो है 3 बार अच्छे से चेक कर लें। सारी डिटेल जो है अच्छे से आपको ध्यान से फिल करनी है, और उसके बाद जॉब में फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी गलती हुई तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। आगे बात कर लेते हैं फॉर्म जो है आप कैसे फिल करेंगे। इसमें जो है सबसे पहले आपसे पूछता है कि क्या आपने पहले जो है टाटा मोटर्स लखनऊ में काम कर चुके हैं, तो जो है लखनऊ में या अदर कहीं, तो हाँ करना है, और उसके बाद नहीं तो नहीं। और उसके बाद मैथ और साइंस बायो की बात करें कि आप किससे पास हैं, तो हाँ मैथ्स या बायो किसी से आप बता सकते हैं जिससे आप पास हैं। और उसके बाद इसमें कितने परसेंट आपको मिले 12th में वो आपको बताना है, कौन से ईयर में 2017 से लेकर 2023 के बीच में आप पास आउट हैं तो आप अप्लाई करेंगे। आप उस पर क्लिक कर दीजिए, जैसे आपने 2022 में पास किया है तो 2022 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है आप किस स्ट्रीम से थे, साइंस था या आर्ट या कॉमर्स, कोई भी आप सिलेक्ट करें। पैन कार्ड जो है बना है या जो है नहीं है तो वो भी, या अप्लाई कर दिया है वो भी आप क्लिक करेंगे। यहाँ बात करें नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है। ये सारी डिटेल देने के बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना, मेल है या फीमेल। यहाँ पे आगे बात करें कि डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद जो है व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर ये आपको देना है। ये आप बात करें आगे जो है आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी आपको जो है डालना है। उसके बाद जो है मैरिड है या अनमैरिड वो आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने अनुसार। आगे बात कर लेते हैं आपका जो है विलेज नेम जो आधार कार्ड में है, और पोस्ट ऑफिस नेम वो आपको डालना है, सिटी कौन सी है आपकी वो डालना है। आगे बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डालना है। स्टेट की बात करें कहाँ कहाँ के जो है कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, झारखंड बिहार उत्तराखंड उसके उत्तर प्रदेश या अदर किसी राज्य से हैं। यहाँ पे अपनी एरिया का जो है पिन कोड डालना, डालने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म जैसे ही आपका फिल हो जाएगा तो कुछ दिनों के बाद जो है आपके पास मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे या जो है कॉल पे आएगा कि हाँ जो है आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उसका जो है इंटरव्यू है वो चीज़। तो जो है जैसे ही आपको आगे डिटेल आती है तो आपको बताते हैं, आप जो है फॉर्म अभी फिल कर दीजिए। लिंक तो आपको बता ही दिया कहाँ से मिलेगा, और जो है बात करें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।